अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तो अब तू लगन करवाएगी इसका? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अपने निर्णय तो खुद लेगी। चल चल चल, ये खुशखबरी घर वालों को सुनाते हैं ना। चल अवे चल, अरे चल ना। सुनाते हैं ना। वाह, देखिए अपने आंखों से देखिए। आपने इसे जिम्मेदारी सौंपी थी ना, कितने अच्छी तरह से निभा रही है ये जिम्मेदारी। इतनी अच्छी तरह से कि मन कर रहा है पैर छू लूं अब इसके। ये संतु महारानी ने सोचा है वाह कि अब ये बिरवा का लगन करेगी। हाँ, चौकिए मत, सच कह रही हूं मैं। ये संतु मैया ने अब ऐसे सोचा है कि बिरवा लगन की उम्र की हो गई है तो उसका लगन करवा देगी। इसके मन में जैसा आएगा वैसे करेगी। हाँ, क्योंकि यही तो सीख लेके आई है ना अपने बुढ़े नाना से संतु मैया। मैया बनके नैया पार करेगी सबकी, देखना। इसके मन में आएगा वैसा ही ये करेगी। इसने निर्णय ले लिया, बस ले लिया। अब लोगों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है इसे। नानका हो न हो, इसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इस अनपढ़ गवार को घर में लेकर आए हैं पप्पा, तो अब हम सबको तो इसी करनी भुगतनी पड़ेगी ना। ये शादी का मामला क्या है संतु? बिना किसी से कहे तुम कुछ भी करोगे? फिर वह अभी छोटी है, एक बार भी नहीं सोचा उसके बारे में। कैसी बात कर रहा है तू संतु मैया से? संतु मैया से ऐसे सवाल पूछेगा? देखो, ये इस घर की मालकिन है, समझे? इसके मन में आए वैसा करेगी ये। इसे सवाल मत पूछना। इसने सोचा है ना बिरवा का लगन करेगी तो बस, ये बिरवा के लगन की शहनाई इस घर में बजवाएगी। नान का यहाँ हो न हो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इसे। पता नहीं मेरा बेचारा भाई जब घर में आएगा और ये सब सुनेगा ना तो उस पर क्या बीतेगी। अरे पकड़ने, तो मांगा था ना तूने बाजा, सफेदा ने काला ऐसा ऐसा करते, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में उसको? कीबोर्ड पियानो। हाँ, फिर बोलती नहीं कि पप्पा नहीं ला दे। हाँ, जय श्री कृष्ण बा। तने तो हमेशा भेट खरीदवा का मुश्किल ही पड़े। अरे बापूजी, सीखी गयो छो वे केम छो तुमे? भाडन भाडन। हां बोलिक। अरे कुक मु गया ला मने। अब बापूजी तुम्हारा माटे ये बात तेरे लिए ताकी गयो बा। अबे छु जो छ मने। अरे सबके लिए भेंट है बैग में बिरवा, सबकी पर्ची लिखे लिए बांट देना। शुभ मलिक। जी पापा। जो जिम्मेवारी तुझे देके गया था किया कि नहीं? धंधो बराबर चला छे ना? प्रोग्रेस अच्छी है पापा। शू कहवा इंग्लिश में? वेल डन। थैंक यू। तू मने गुस्सा में जोवे छे। अरे दिकरा, जो वचन में तुझे जाने से पहले देके गया था ना, वो याद है मुझे। अबे जो फटाफट तेरा लगन करवा दूं। चल बा, जरा नहीं ने हो। जय श्री कृष्ण मालिक, कैसे हैं आप?
मेरी आपसे एक ही विनती है कि छूटना छेड़ा स्वीकार कर लीजिए। ए मोटी बहन, जरा चाय बनाने लाओ। अब देखना, नानका को जब सच्चाई का पता चल जाएगा ना, तो तुम्हारी क्या हालत करेगा वो। रुक जा तरु, धर्मराज आज ही आया है, बीरवार की बात कल कर लेना। क्यों बा? हाँ? क्यों? नानका के पीठ पीछे ये संतुड़ी और ये बीरवा ने जो भी कुछ किया वो ठीक था? और वैसे भी आज ना कल नानका को इस बात का पता तो चलना ही है, तूफान को तो आना ही है, इस संतुड़ी को झंझोड़ के तो जाना ही है, तो फिर आज क्यों नहीं? देखिए बा, ये मामला बहुत गंभीर है। अगर आज मैंने नानका को कुछ नहीं कहा ना, तो नानका तुम लोगों की तरह मुझे भी दोषी मानेगा और ये मैं कभी नहीं चाहूंगी। और इसलिए बा, मैं नानका को अभी सब बताने जा रही हूं। आ जाओ सुभद्रा, सरस छे ने, ये नंग देखा तो तेरी याद आई, इसलिए लाया। खातरी था मुझे कि तेरे को पसंद आएगा। अब ये रख देता हूँ तेरे बाकी के दागीने के साथ। नानका। आ मोटी बहन। अरे क्यों मुंह फुला लिया? क्या लगता तुझे, भूल गया मैं? ले तेरे लिए लाया हूं हीरे का हार। किसे भूलता नहीं है। अरे क्या बात है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मैं तो ठीक हूं नानका, लेकिन ऐसा बहुत कुछ है जो ठीक नहीं है। मतलब? बात हमारे बिरवा की है। उसके स्कूल में कोई लड़का है, पता नहीं उसका क्या नाम है। हमारी बिरवा उससे प्यार करने लगी है, लगन करना चाहती है उसके साथ। ये बात संतुड़ी को पता थी और उसने मुझे बताया नहीं। बिरवा तो छोटी है, लेकिन ये संतुड़ी तो बड़ी है ना, उसे तो अक्कल है ना, उसे नहीं। और ये बा उसका साथ दे रही है। जब तक तुम नहीं थे तो मैंने सोचा था कि बिरवा को कमरे में बंद करके रखूंगी, उसका स्कूल बंद कर दूंगी, लेकिन अब तुम आए हो तो तुम ही देखो क्या करना। मुझे पापा से बहुत डर लग रहा है, पता नहीं वो क्या कहेंगे। जो भी होगा ठीक ही होगा, तुमने जो किया है उसका नतीजा तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। ए बिरवा, क्यों भेजा था तुझे? हैं? बढ़वा माटे कि तू पढ़े लिखे, खरे खोटे का ज्ञान मिले तुझे। पर क्या किया तूने? हैं? क्या किया तूने? मोटी बहन ने मुझे सब कुछ बताया, पर मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूं। चला वे बोल, जबान है कि नहीं? पापा वो मैं शू करे छे? हाँ के ना? हाँ के ना? बस बस। ए बा,
आज तक इस छोकरी पे हाथ नहीं उठाया मैंने। चल उसको बोल जावे यहां से। बोला ना मैंने, जा। तुम्हें लोगों ने शू थे हाँ? क्या हो गया घर में सबको? कुछ दिवस के लिए मैं बाहर नहीं गया, अने 14 वर्ष की छोकरी के साथ ऐसा क्या हो गया तुम सबको? अने तुम दोनों क्या कर रहे थे? तुम दोनों हितेन मैयावंशी, बड़ा भाई बाप समान होता है समझो के? खाई खाई ने पाड़ो थई गयो छे पण समझन नो छाटो नथी। क्या कर रहे थे तुम दोनों? ये जिम्मेवारी निभाई है? नालायक, अरे तू सबकी मां बनती फिरती है ना, कैसी होती है मां? 14 वर्ष की छोकरी का लगन करवाएगी तू है? अरे असली जड़ तो यही है नान का, इसी ने तो बढ़ावा देके रखा है ना, उसे सर पे चढ़ा के रखा है बिरवा को। इसे जब बात पता थी तो रोकना तो दूर, ये बढ़ावा दे रही है उसे। जो संस्कार बुड्ढे ने दिए वही हमारी बिरवा पे डालने की कोशिश कर रही है लड़की। मालिक मैं चुप चुप, अब सफाई देगी तू हाँ? जैसे तेरी बहन है ना मुंगी, वैसी है बिरवा, भान चेके नहीं तने कहीं। मालिक पर मेरी बात, अरे चुप कर, बहुत है क्यों मालिक मालिक कर। धर्मराज अभी तो ये बच्ची है। माफ कर जे बा, पण इस विषय में और कुछ नहीं सुनना मुझे। पर धर्मराज तू समझता क्यों नहीं? कामा समझवानु छे सु बापूजी, ने जो समझने का था ने समझ गया। ये छोकरी ने मेरे 14 वर्ष की दिकरी को उकसाया शादी करने के लिए, अबे किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, जो करना है मैं करूंगा। मेरे कमरे में आ, बात करनी है तुझसे। जाना, बुलाया ना, जा। अंदर आओ। मालिक। छोकरी तने खबर छे के जो तूने किया है वो खोटा किया है? मालिक आप भीनमा की बात सुन चुके हैं, पर एक बार आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप कोई भी दंड दीजिए, मुझे स्वीकार है। तो फटाफट बोल, सुन रहा हूँ। उस दिन बिरवा मुझसे कह के गई कि अपनी सहेली के यहाँ गिरफ स्टडी के लिए जा रही, तभी उसकी सहेली का फोन आया। मालिक बिरवा छोटी है इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा, मैंने सोचा कि मैं बात को टाल दूं, कि मैं जानती हूँ बिरवा बड़ी होगी तो उसमें समझ आ जाएगी। मैं केवल इतना चाहती हूँ कि बिरवा पढ़ाई में अपना मन लगाए, अपना भविष्य बनाए, सही गलत में अंतर समझे, और इसके लिए उसके मन में ये बात बिठाना बहुत जरूरी थी कि हम उसकी मन की भावनाओं को समझते हैं, उसे प्यार करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि बिरवा जब बड़ी हो जाएगी तो वो सही और गलत का निर्णय ले लेगी। मालिक
अगर बच्चों को लगे कि माँ बाप उनके विरुद्ध सोच रहे हैं, तो बच्चों की सोच उनके माँ बाप के विरुद्ध हो जाती है। और मैं नहीं चाहती थी कि बिरवा के साथ ऐसा हो। मैंने बिरवा से ये नहीं कहा कि वो अभी लगन कर ले, मैंने उससे कहा कि वो लगन के लायक हो जाए, अपने पैरों पर खुद खड़ी हो जाए। और बिरवा मेरी बात को मान भी गई। और फिर लड़की का मामला हो तो घर वालों को भी धीरज रखनी पड़ती है। एक बिनती है आपसे मालिक, बिरवा आपसे बहुत डरी हुई है, आप एक बार उससे बात कर लीजिए तो उसका डर भी निकल जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसे जो भी कहेंगे वो उस बात को मान लेगी। और रही मेरी बात, तो मेरी गलती केवल इतनी है कि मैं माँ का कर्तव्य नहीं भूली। मैंने हमेशा यही चाहा कि मैयावंशी परिवार का मान बना रहे। और अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि आपको मुझे कोई दंड देना है, तो मुझे स्वीकार है। मुझे जो जानना था जान लिया, चलो जाएं यहां से। चल मुझे पापा का बहुत डर लग रहा है अक्षत। वो जितना मुझसे प्यार करते हैं ना, उतने ही गुस्से में मुझे डांटते हैं। पता नहीं वो क्या कहेंगे। अब मैं तुमसे नहीं मिलूंगी, मैं रखती हूँ। मैं कुछ बोलूं उसके पहले तेरे को कुछ बोलना है तो बोल। मुझसे भूल हो गई पापा, पर आगे से गलती नहीं हो गई। मुझे इस बार कम नंबर आया, पर मैं पढ़ूंगी पापा, बहुत पढ़ूंगी, बहुत मेहनत करूंगी। और तू उस छोकरे से आज के बाद नहीं मिलेगी, बरोबर? हाँ। आओ बस। इतनी छोटी उम्र में तेरी मगज में ये बात आई कैसे? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तू इस उम्र में ऐसा कुछ सोचेगी। पण सारू छे कि तुझे अपनी भूल समझ में आ गई। पर भूल तो तूने की ना, तो वे उसका दंड तो तुझे भुगतना पड़ेगा। नितिन भाई, मौलिक भाई, दोनों भुगते हैं उनका दंड। मुझे आपकी दंड से बहुत डर लगता है पापा। चल तुम्हारे साथ चल। गरम हाथ कहाँ ले जा रहे हो बिरवा को? दंड देने। जब हितेन से भूल हुई तो मैंने उसको दंड दिया। मौलिक ने अपराध किया तो मैंने उसे दंड दिया। कादंबरी से भूल हुई तो मैंने उसके लगन तक उसके साथ बात नहीं की। न्याय के सामने कोई छोटा बड़ा नहीं होता। इसने जो किया है उसका फल तो इसे भुगतना पड़ेगा। चल। पहले आग लगा दी, अब तमाशा देख रही है? ये मगरमच्छ के आंसू रोने से कुछ नहीं होगा, समझी ना? चिड़िया चुग गई सारा खेत, हमारी बिरवा चली गई तेरी महानता के कारण। धनी नानका अब उसका क्या करेगा, क्या उसे दंड देगा, कहां लेके जाएगा? दंड देने के अलावा उन्हें कुछ आता भी नहीं है, बस दंड देते रहते हैं, साथ तो कभी दे नहीं सकते। नहीं तेन भाई, पापा जो कर रहे हैं बिरवा की भलाई के लिए, वो गलत नहीं है। तो क्या है सही इसमें मौलिक? जो वो कर रहे हैं वो सही है, हमें दंड मिला वो ठीक है, लेकिन एक 14 साल की बच्ची, वो तो ना समझे, उसे दंड दे रहे हैं। अरे जिसके गाल पर सहला था उसे समझाना चाहिए, ना ही उसके मुंह पर तमाचा मार के उसे दंड देना चाहिए। ये सही लगता है तुझे?
असली अपराधी तो इस घर में ये है संतूरी, और नानका बेचारी बिरवा को दंड देना है। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। फोन भी नहीं लग रहा, पता नहीं धर्मराज कहां है और क्या कर रहा है वो। बिरवा कहाँ है धर्मराज? बताना नानका, बिरवा कहाँ है? यही है मेरे साथ। ए बिरवा, सुनो बिरवा, बिरवा। ऐसी क्या सजा दी कि बच्ची बोलती तक नहीं? ये है बिरवा का दंड। ये क्या है धर्मराज? वाह, मैं उसके शाला में गया था, उसके प्रधान अध्यापिका से मिला, उसको मैंने शाला से निकलवा दिया। ये क्या किया धर्मराज? ये सजा नहीं है, ये जुल्म है, जुल्म। बिरवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। मुझे जो करना था मैंने किया, और सोच समझ कर किया है। अब इस पर कोई विवाद नहीं चाहता। डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।